उच्च हिमालय श्रृंखला में स्थित द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर जी के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर को खोला गया, जिसके बाद भगवान मद महेश्वर की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान मद महेश्वर के दर्शन किए, जिसके बाद पुजारी टी गंगाधर लिंग ने स्वयंभू शिवलिंग का समाधि पूजा शुरू किया और उसके बाद शिवलिंग को समाधि दी गई। बाबा मद महेश्वर के जयकारों के बीच ठीक 7 बजे द्वितीय केदार मद महेश्वर जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी वेद पाठी पुजारी स्थानीय लोग और सीमित संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आपको बता दें मद महेश्वर धाम में भी मौसम सर्द है और यहाँ जमकर बर्फबारी हुई है। आपको बता दें मद महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद श्री मद महेश्वर जी की उत्सव डोली मंदिर की परिक्रमा के बाद अपने प्रथम पड़ाव के लिए निकल पड़ी। जी हाँ, प्रथम पड़ाव गोंडार गांव। आपको बता दें 20 नवंबर को मद महेश्वर जी की उत्सव डोली अपने द्वितीय पड़ाव रांसी, 21 नवंबर को तृतीय पड़ाव गिरिया और 22 नवंबर को अपने गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी और इसी दिन मशहूर मद महेश्वर मेला भी आयोजित किया जाएगा। जय भारत टीवी के लिए रुद्रप्रयाग के मद महेश्वर मंदिर से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।